प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया पे संकट है, देश से लेकर पूरी दुनिया तक सभी पे संकट है। और प्रभु ने जो वचन दिया था और जो दर्शन दिया था वो पूरा हो रहा है। परमेश्वर जो अपने दास को बताते हैं वो पूरा करते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना, और आज इस संकट को पिता तेरी इच्छा के अनुसार पिता डाल देना, यह हमारी प्रार्थना है। फिर भी हमारे लिए आपकी इच्छा प्रिय, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। मेरे अजीजों, 2022 में अभी तक प्रभु ने बहुत सारे दर्शन दिखाए, सपने दिखाए, और उनमें से बहुत पूरे हो रहे और बहुतों का पूरा होना बाकी है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। मैं क्यों आया आपके सामने, क्योंकि ये आत्मा में प्रभु ने मुझे बताया कि पूरी दुनिया और देश से लेकर दुनिया तक संकट है। चाहे वो आप भारत ले लो, चाहे श्रीलंका ले लो, चाहे यूक्रेन ले लो, कोई भी ले लो, चाहे वो बीमारी का संकट हो, फिर मंकी पोस्ट का कोरोना का रिटर्न आना, ये जो तनाव होना, सताव होना, यानी कि बहुत कुछ जो घट रहा है, अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है, है ना। और ये ज़्यादा हो रहा है, बॉलीवुड भी संकट आ रहा है, यानी कि जो जो प्रभु ने 2022 के लिए बताया था हूबहू वैसा हो रहा है। कि परमेश्वर अपने क्रोध की तलवार को निकाल चुका है। एक वचन प्रभु ने मुझे दिया था और दर्शन भी दिखाया था कि दुनिया का अंत कैसे होगा और कैसे कैसे समस्या आएगी, सब कुछ आज तक वैसा हो रहा है। मेरे जी तो हम प्रभु हमें इसलिए बताता कि हम और आप प्रार्थना कर सके। एक वचन है यहाँ पे, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जो वचन प्रभु ने मुझे दिया था वो यह है, यहेजकेल 21 का पहला पढ़ूंगा। यहेजकेल 21 का पहला पेज नंबर 991 लिखा है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना, और इज़राइल के देश के विषय में भविष्यवाणी कर और उससे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं अपनी तलवार म्यान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा। हालेलुया। इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करने हूँ, इस कारण मेरी तलवार म्यान से निकलकर दक्षिण उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। ऐसे ही हो रहा है, ये परमेश्वर ने मुझे बताया था मेरे अजीजों, और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपन के द्वारा बहुत सारी बातें कर रहा है। ये समय है हमारा और आपका जागने का, प्रार्थना करने का, वचन में रहने का, पवित्रता में रहने का, और लोगों को भी समझाने का, सुसमाचार सुनाने का, ताकि हम भी बचे और जो लोग प्रभु में आए वो भी बचे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तो तमाम सारी भविष्यवाणियों को, सब दर्शनों को पूरा कर रहा है पिता। मैं फिर भी हाथ उठाकर आपका धन्यवाद करता हूँ कि हम सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता, देश से लेकर पूरी दुनिया तक संकट जो है वो पिता तू उस पर दया कर, रहम कर, फिर भी हमारे नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आने वाली बातें आप पहले बताते हो पिता। इस संदेश प्रार्थना विषय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रार्थना सुनते आप सुना करें, भविष्य ने सुना करें जो प्रभु बताते हैं, ताकि उसके लिए प्रार्थना कर सके। गॉड ब्लेस यू।